झारखंड की राजनीति में उठापटक के संकेत से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन के घटक दलों की बैठक आयोजित की गई थी। सत्तारूढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली। इससे प्रदेश सरकार से लेकर कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस के तलक तेवर से ठंड के प्रकोप का सामना कर रहे झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार से नाराज है। गुरुवार को एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में महागठबंधन के घटक दलों के विधायकों की बैठक हुई तो दूसरी तरफ हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस के विधायकों ने अलग से बैठक की। महागठबंधन में शामिल दलों के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर ही हुई। वहीं कांग्रेस के विधायकों का जुटान पार्टी के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर हुआ। महागठबंधन के घटक दलों की बैठक विभिन्न मुद्दों को लेकर थी। इससे सबसे खास विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों को बेअसर बनाने को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर विचार विमर्श पर थी।